गांव के दबंग ने किया जानलेवा हमला, इलाज के दौरान हुई महिला की मौत। मामला बलथर थाना क्षेत्र के गौरीपुर परसोनी वार्ड नंबर 12 का है, जहां गांव के दबंगों की दबंगई देखने को मिली। बताया जाता है कि मृतक के पुत्र ने गांव के ही गुड्डू राय को कर्ज के तौर पर 20,000 रुपया दिया था। पैसा देने के लिए गुड्डू राय ने अपने घर बुलाया था। पैसा मांगने के दौरान गांव के दबंग जितेंद्र यादव ने उससे विवाद कर लिया और फिर मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया। मगर दबंग जितेंद्र यादव ने मृतक के पुत्र को जान से मारने की नीयत से गांव में ढूंढने लगा, उस पर जानलेवा हमला कर दिया और बीच बचाव करने आई मां पर भी लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। स्थानीय लोग और परिजनों ने उसे PHC में भर्ती कराया, जहाँ स्थिति चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर कर दिया। वहीं GMCH के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल थाना अध्यक्ष श्याम किशोर यादव ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मौत की सूचना पाकर बलथर थाने की पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है। मृतक की पहचान बलथर थाना क्षेत्र के गौरीपुर परसौनी वार्ड नंबर 12 के बूधन शाह की 50 वर्षीय पत्नी तेतरी देवी के रूप में हुई है। गुडू का हम पैसा दिल तो गुडू फोन कर बोला ला ना गुडू तन हमारा का आवे जब बात करे बट डर गई नहीं डर पैसा मांगनी चलो कर दबंग हो गई जितन लगलन हमारा गरिया भाई से कोई गरिया वाला मारे के चलन तो हम वही ना रुकनी वही चल गए घर घर गईल के बाद में खाना खा के कहानी चलते नहीं घूम तो हमारे गाँव में घूम के चलिए तो बाद में खोजत रहे हमारा के जितेंद्र नाम के लड़का दबंग खोजत रहे हमारा के चल हम बेटा गई बाद में खोजत रहे तो बेटा गई तो हमारा धल में धक लागल मारे मारल के बाद में हमारे घर खबर गई हमारे माई अल हमारे जाना नहीं तब ढेर आदमी आ गए पट्टी ढेर मतलब बजल जौन हमने के दू आदमी रहें उनके से मार के मुँह दिल भाग हमने के भगा दिलक हमारे माइये कहल जा भाग समझ हमने भाग चल तला माई के हमारा पकड़ के फैरसा से आ रड से मार के वही पटवा दिल से पटवा उठा दस BSO गए तो वही से मोटरसाइकिल पर लाद उत के भगनी से सीटा सीटा गई से दवाई भी रोबल तो यहाँ से रेफर कर बेतिया बेतिया नहीं सर तो बेतिया आई नहीं सर तो कहल मर गया